इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा। आज हम मैथमेटिकली बाय एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 3.1 के पहले पांच क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, लेट ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड बी भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमने फाइंड करना है ए प्लस बी, ए माइनस बी, टू ए प्लस थ्री बी, थ्री ए माइनस फाइव बी, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पे है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सिस पे, यानी कि मैट्रिक्सिस को प्लस करना, मैट्रिक्सिस को मल्टीप्लाई करना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना, सब्ट्रैक्शन करना। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमने कंसेप्ट सीखना है, यहाँ पर ये सीखेंगे कि प्लस कैसे करते हैं, यहाँ पर ये सीखेंगे माइनस कैसे करते हैं। तो मैं माइनस वाले को लेकर चलूँगा, जिसमें हम प्लस वाला भी सीख लेंगे। सबसे पहले हम पार्ट टू करते हैं। पार्ट टू है ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है ए, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स, नेक्स्ट आया माइनस, माइनस आगे बी, तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स। अब इसकी एंट्रीज टू माइनस थ्री माइनस फाइव, अब नेक्स्ट हम ये क्या करेंगे कि ये मैट्रिक्स वैसे ही रहने देंगे और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये मैट्रिक्स वैसे ही रहा और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस वन हो गया, ये माइनस थ्री हो गया माइनस फाइव, ये माइनस वन, प्लस थ्री प्लस फाइव, प्लस वन माइनस थ्री और माइनस थ्री। अब जब दो मैट्रिक्स को उसी वक्त प्लस या माइनस कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, तो ये भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और जब हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को प्लस या माइनस, इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ये है, इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ये है, तो अब हम इसको प्लस माइनस करते हैं। टू प्लस वन थ्री, माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स, माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस टेन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, फोर प्लस थ्री सेवन, फाइव प्लस फाइव टेन, वन प्लस वन टू, माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स, माइनस फोर और माइनस थ्री माइनस सेवन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि हमें प्लस करना भी आ गया और ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, यहाँ पे ए और बी को प्लस करना। नेक्स्ट अब देखते हैं 3a माइनस फाइव बी, टू हाँ 3a माइनस फाइव बी वाले क्वेश्चन को, 3a माइनस फाइव बी यानी कि पार्ट नंबर फोर, और ये आ गया 3a माइनस फाइव बी। सबसे पहले यहाँ से चलना स्टार्ट करें, पहले आता है 3, तो हमने 3 वैसे ही लिख दिया, फिर आता है a, तो यहाँ पे a मैट्रिक्स आएगा, फिर माइनस फाइव, फिर यहाँ पे b मैट्रिक्स, तो इनकी एंट्रीज लिखते हैं। अब हम इस स्केलर को हम पढ़ के आए कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी कि लैम्डा ए आई जे, तो हम उसको इसकी सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अब इस थ्री को सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 3 5 बार 15, 3 1 बार 3, 3 4 बार 12, 3 5 बार 15, 3 1 बार 3, 3 3 बार 9, 3 4 बार 12। अब ये माइनस फाइव है तो यहाँ प्लस बच जाएगा और हम माइनस फाइव से सभी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो माइनस फाइव से करवाया तो ये प्लस फाइव आ गया। 5 3 बार 15 माइनस 15, 5 5 बार 25 माइनस 25, 5 1 बार 5 माइनस 5, 5 3 बार 15 प्लस 15, 5 5 बार 25 प्लस 25, 5 1 बार 5 प्लस 5, 5 3 बार 15 ये माइनस 15, 5 3 बार 15 माइनस 15। अब इन दोनों को प्लस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 6 प्लस 5 11, माइनस 9 माइनस 15 माइनस 24, माइनस 15 माइनस 25 माइनस 40, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8, 12 प्लस 15 27, 15 प्लस ये आ गया 40, ये 8 माइनस 9 और माइनस 24 और ये आया माइनस 27। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, 3a माइनस 5b का भी आंसर निकाल लिया। अब नेक्स्ट ये वाला आप खुद करेंगे।
ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब नेक्स्ट आता है ए बी और बी ए, और यहाँ पे हमने ये भी बताना है कि क्या ए बी का आंसर बी ए के इक्वल आया कि नहीं। ठीक है, तो हम बी वाले को, बी ए वाले को सॉल्व करते हैं, ए बी आप खुद करिएगा। बी ए वाले को यानी कि पार्ट नंबर 6 अब हम देखते हैं, जिसमें बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया गया। तो सबसे पहले यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो पहले बी आता है, तो यहाँ बी मैट्रिक्स आएगा, फिर यहाँ पे आगे नेक्स्ट ए मैट्रिक्स आता है तो यहाँ ए मैट्रिक्स आएगा। इसकी एंट्रीज लिखते हैं, अब नेक्स्ट अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवाना दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो हम उनको इजीली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने पहले मैट्रिक्स की रोज देखनी है, तो 3 रोज हैं, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो हम यहाँ पे 3 रोज ड्रा करेंगे, 1, 2 और 3। फिर आपने नेक्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम देखनी है, तो 3 कॉलम है, तो यहाँ पे आपने 1, 2, तो यहाँ पे आपने 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। पहले आपने इस रो को पकड़ना है और ये कॉलम, फिर ये रो, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम, फिर ये चीज़ कंप्लीट हो गई, फिर ये रो, ये कॉलम, ये रो, इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि पहले मैट्रिक्स की रो को पकड़ लिया तो ये पहले मैट्रिक्स की रो आ गई, और फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स का पहला कॉलम तो ये कॉलम को माइनस वन। जैसे जैसे हम ये तीर के आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे हम इस तीर से आगे जाते जाएंगे। माइनस वन को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2, 3 को 1 से माइनस 3, ये 5, 1 बार 5 प्लस 5। ठीक है, अब यही रो और ये नेक्स्ट वाला कॉलम, ये कॉलम आएगा। माइनस 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3, 3, 4 बार 12, 5, 3 बार 15, ये माइनस का। ठीक है, अब यही रो और ये कॉलम, ठीक है, माइनस ये प्लस 5 हो गया, 5, 3 बार 15 और 5, 4 बार 20, माइनस 20। अब ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट रो पकड़ेंगे, ये वाली रो पकड़ेंगे और ये कॉलम, 2, 1 बार 2, माइनस 3 और प्लस माइनस 1, ये आ गया 3, 1 बार 3, 5, 3, 5, 1 बार 5, इस तरह। अब ये रो और दूसरा कॉलम, 3, 1 बार 3, माइनस 3, 3, 4 बार 12, माइनस 12 और 5, 3 बार 15, प्लस 15। अब ये रो और तीसरा कॉलम, 5, 1 बार 5, 3, 5 बार 15, 5, 4 बार 20, 5, 4 बार 20, ये प्लस 20, ये माइनस 7 लगाओ। और अब आप तीसरी रो को खुद ही मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2, 3, 1 बार 3, माइनस 3, 3, 1 बार 3, प्लस 3, और ये आ गया माइनस प्लस 3, 3, 4 बार 12, 3, 3 बार 9, 5, 5, 3 बार 15 और 3, 4 बार 12, ये माइनस है तो माइनस 12। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा माइनस 5 प्लस 5 0, ये प्लस 15, इसका ये माइनस 15 0, ये प्लस 20 माइनस 20 0, ये प्लस 5 माइनस 5 0, ये प्लस माइनस 15 प्लस 15 0, माइनस 20 प्लस 20 0, ये 3, 3 से कैंसिल आउट होगा और पीछे बचा माइनस 2, ये इसके साथ कैंसिल आउट, पीछे बचा माइनस 2, तो ये 15 माइनस 9 6 और ये 20 माइनस 12 8, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के हम 3 पार्ट्स करेंगे, 3 पार्ट आप खुद करेंगे। 1 और 2 में क्वेश्चन नंबर 2 मैंने उठाया और 3, 4 और 5, 6 में मैंने 5 और 6 उठाया, बाकी क्वेश्चन ईजिली आप खुद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तो ये आया क्वेश्चन नंबर 2, अब हम इसको देखते हैं। 2 मैट्रिक्स को उसी वक्त मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फ़र्ज किया कि ये एक मैट्रिक्स ए है और ये एक मैट्रिक्स बी है, 2 मैट्रिक्स को उसी वक्त मल्टीप्लाई करेंगे जब इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल आए। यानी कि देखें तो इसका ऑर्डर 1/3 है, यानी कि 1 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर 3/3 है, 3 रोज़ और 3 कॉलम, इसका ऑर्डर 3/1 है, यानी कि 3/1, 3 रोज़ और 1 कॉलम। हम चाहें तो पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लें,
तो जो आंसर आएगा फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम चाहें तो इन दो को मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आएगा फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, यानी कि ये चीज़ वैसे ही रहेगी एक्स वाई जी, ठीक है। इन दो को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तीन तीन सेम है, यानी कि ये कॉलम्स ये रोज़ के सेम हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। और मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा वो 3/1 का होगा, यानी कि इसका आंसर 3/1 का आएगा। मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले मैट्रिक्स की रोज़ को हमने लिख लेना है, तो तीन रोज़ हैं, एक दो और तीन रोज़। और नेक्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम लिख लेने हैं, तो एक ही कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए हम नीचे शिफ्ट करते हैं। पहली रो को उठाया और इस कॉलम को, इस रो को उठा लिया और इस कॉलम को, तो जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ से आगे, तो इसके मुकाबले में एक्स आ रहा है, तो ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट रो और वही कॉलम एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट रो और वही कॉलम जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जी, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/3, एक रो और तीन कॉलम, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1, तो यानी कि ये चीज़ें इक्वल हैं, यानी कि हम इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। और मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा वो 1/1 का मैट्रिक्स होगा। तो आइए हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले मैट्रिक्स की रोज़ देख लेनी है, तो एक ही रो है। इस मैट्रिक्स के कॉलम देख लेने हैं, तो एक ही कॉलम है। तो ये रो उठाई और ये कॉलम, ठीक है। जैसे जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ से नीचे आते जाएंगे। तो यहाँ टेल पर देखें, एक एरो है ना, तो इसको टेल कहते हैं और इसको हेड कहते हैं, ठीक है। तो इसकी टेल पे एक्स, यानी कि एक्स को मल्टीप्लाई करवाया ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जी। फिर आगे आएगा प्लस, अब मिडल में आए हम एरो के, तो यहाँ वाई है, यहाँ पे मिडल पे ये है, तो वाई को मल्टीप्लाई करवाया एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जी। नेक्स्ट आते जाएँ तो जी है, तो प्लस जी को मल्टीप्लाई करवाया जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसको एक मैट्रिक्स में बंद करेंगे और ये 1/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें एक ही रो है ये वाली और एक ही कॉलम है ये वाला, सारा ये सारा कॉलम एक ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसको एवेलुएट कर लिया, अब हम इसको एवेलुएट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है -1 -1 -1 0 1 0 0 0 1। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं इसके ऊपर स्केयर लिखा है तो सारे एलिमेंट्स का स्केयर कर देना, ऐसा नहीं करना। आपको बताता हूँ कि अगर 5 का स्केयर लिखा है तो इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर 25 आता है। अगर 5 का क्यूब लिखा है तो 5 तीन दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका आंसर 125 आता है। अगर एक मैट्रिक्स का स्केयर आ जाए, यानी कि ये एक मैट्रिक्स है ना, इसका स्केयर आ जाए तो इसका मतलब होता है मैट्रिक्स को दो दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करवाना। तो इसके ऊपर स्केयर है तो इसको भी हम आपस में दो दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हमने दो दफ़ा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हुए लिख लिया। इसका वर्किंग प्रोसीजर लिखेंगे, पहले मैट्रिक्स की तीन डोज हैं, तो तीन डोज लिखी, तीन कॉलम है, एक दो तीन कॉलम, एक दो तीन कॉलम, एक दो और तीन कॉलम। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 × -1, यानी कि ये रो और ये कॉलम, तो ये ब्लैक के साथ पेंसिल के साथ करते हैं, ये रो और ये कॉलम, -1 - 1 +1 हो गया और ये 0 0 +0 + 0। फिर यही रो और ये कॉलम, -1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये +1, ये आ गया -1 और ये 0। फिर ये रो और ये कॉलम, -1 तो ये +1 हो गया, +0 और ये -1। नेक्स्ट आप खुद करवाइएगा, हम जल्दी जल्दी में करते हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करवा के आया, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1, ये 1 1 से कैंसिल आउट हुआ, 0, ये भी 0, 0 1 0 और 0 0 1।
तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया थ्री ऑर्डर का। जब हमने इस मैट्रिक्स को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट ये आया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है कि -1 -1 -1 0 1 0 0 0 1, इस मैट्रिक्स को हमने तीन दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। सही, तो ये तीन दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है तो हम इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, यानी कि ए की पावर तीन हो तो हम इसको तीन दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। और ये देखें कि दो दफ़ा मल्टीप्लाई करवाने पे हम इसको ए स्केयर लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको ए स्केयर ए भी लिख सकते हैं या ए ए स्केयर भी लिख सकते हैं। तो ए स्केयर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, आई, क्योंकि हमने दो दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर आया, तो ये आया आई ए, या लिख दें ए आई, सेम ही होता है। तो जब हम आई को दोबारा इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 1 0 0 0 1, ठीक है, आपने इस मैट्रिक्स को तीन दफ़ा लिखना है, यानी कि इस तरह तीन दफ़ा आपने मैट्रिक्स को लिखना है, फिर कोई दो की जगह आई लिख दीजिएगा। सही, तो फिर आप इस मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कोई भी मैट्रिक्स को आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका आंसर वही मैट्रिक्स आता है 0 1 0। सोल्व करना नहीं करना ये आपकी मर्ज़ी। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है प्रूव डैट द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस। प्रूव करना है कि मैट्रिक्सेस की प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आता है जब थीटा और फाई का डिफरेंस एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर टू हो। ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब हमें ये नहीं बताया कि ए बी या फिर बी ए, ठीक है, तो अपनी मर्जी ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से, प्रोडक्ट फाइंड करनी है। इसका आंसर जीरो मैट्रिक्स आएगा, यानी कि इसका आंसर जीरो मैट्रिक्स आएगा जब थीटा माइनस थीटा एंड पाई का डिफरेंस, यानी कि थीटा और पाई का डिफरेंस, अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी, ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर टू, यानी कि ओड मल्टीपल आ जाए पाई ओवर टू का, ठीक है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर टू आ जाए। अगर थीटा माइनस फाई या फाई माइनस थीटा का हमारा कोई रोल आता है इसको सोल्व करने में, तो हम उसकी जगह ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर टू लिख देंगे। और जब ये लिखेंगे तो हमने प्रूव करना है कि ए बी, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें या इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर जीरो आना चाहिए। तो हम कोशिश तो थी मेरी कि बी को ए से मल्टीप्लाई करवाऊँ, लेकिन तरतीब में मैट्रिक्स लिखे हुए हैं पहले ए फिर बी, तो हम इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। ए और बी को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आएगा, पहले वर्किंग प्रोसीजर, पहले मैट्रिक्स की दो रोज हैं तो दो रोज, दो ही कॉलम है, नेक्स्ट मैट्रिक्स के दो ही कॉलम, ठीक है, पहली रो को पकड़ लिया फिर पहले कॉलम को। कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर फाई, यानी कि आएगा कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई। नेक्स्ट ये चीज़ और ये चीज़, प्लस कोस थीटा साइन थीटा कोस पाई साइन पाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जगह कम है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं ये रो और ये कॉलम, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा कोस फाई साइन पाई प्लस कोस थीटा साइन थीटा और ये आएगा साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आएगा। अब हम दूसरी रो पकड़ेंगे, पहला कॉलम कोस थीटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया कोस थीटा साइन थीटा और ये आया कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये आया कोस फाई साइन फाई कोस वाई साइन फाई। इसी तरीके से अब कोस थीटा साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ कोस फाई साइन फाई के साथ और ये मल्टीप्लाई हुआ प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये मल्टीप्लाई करके आया। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो जो स्क्वायर वाली टर्म है वो एक एक चीज़ कामन आएगी, तो यहाँ से कोस थीटा और कोस फाई कामन आया, यहाँ से बाकी बचा कोस थीटा कोस फाई, यहाँ से बचा साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, साइन थीटा साइन फाई, यहाँ से कोस थीटा और साइन फाई कामन आया क्योंकि साइन फाई के ऊपर स्क्वायर है, तो ये हमारा आया कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। इसी तरह आप नेक्स्ट कामन निकालेंगे।
ये हमने कॉमन निकाला तो ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ एक फार्मूला है, अगर आप देखें तो सभी में ये चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है, यानी कि ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये सभी सेम है। तो ये एक फार्मूला है, तो फार्मूला होता है कॉस थीटा माइनस फाई का। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस फाई माइनस थीटा, कॉस फाई माइनस थीटा, ठीक है। तो आप इस पे कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी ऐसी कंडीशन है कि जो हम मर्जी यूज़ फार्मूला ओपन करेंगे दोनों का एक ही आएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, तो ये आएगा हमारे पास ये कोस थीटा और हम इसकी जगह लिखेंगे कोस थीटा माइनस पाई कर दें, इसकी जगह कोस थीटा माइनस पाई, कोस थीटा माइनस फाइव, कोस थीटा माइनस फाइव। तो ये चीज़ कॉमन आ गई, तो कॉमन आई कोस थीटा माइनस फाइव, तो बाकी बचा कोस फाइव, कोस थीटा साइन फाइव, ये बचा कोस फाइव साइन थीटा, ये बचा साइन थीटा साइन फाइव। तो अब थीटा माइनस फाइव की जगह हम क्या लिखेंगे, ओड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर टू, ओड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर टू, यानी कि ये चीज़ हम लिखेंगे कोस और इसकी जगह लिखेंगे ओड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर टू, मल्टीपल ऑफ पाई ओवर टू, और ये मैट्रिक्स हम वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ओड कोस ओड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर टू, यानी कि पाई ओवर टू ओ थ्री पाई ओवर टू ओ फाइव पाई ओवर टू ओ माइनस सेवन पाई ओवर टू, जितना भी ओड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर टू हो, तो कोस आंसर जीरो देता है, तो ये जीरो आंसर और यहाँ पे हमारा यही मैट्रिक्स आएगा। तो जब जीरो को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, और ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आया। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि जब थीटा माइनस फाई या फाई माइनस थीटा ओड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर टू हो, तो इन दोनों की प्रोडक्ट, इन दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आती है। तो अब क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर की मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा लेंथी है, वो आप खुद करेंगे, ना समझ आई तो आप बता दीजिएगा, उस पर आपको भी रीडिंग मिल जाएगी। तो डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर फोर में हमें कहा गया, हमने प्रूव करना है कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आती है। फिर हमें दिया गया हुआ है, यानी कि गिवन है कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री एंड म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री, ये जो है ये इसकी डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस है। और कहा है कि लाइंस परपेंडिकुलर है, जब लाइंस परपेंडिकुलर हों तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस यानी कि लैम्डा वन म्यू वन प्लस लैम्डा टू म्यू टू प्लस लैम्डा थ्री म्यू थ्री, तो इसका आंसर जीरो के इक्वल आता है। तो जब हम इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस तरह ये चीज़ कॉमन आई थी, इसी तरह ये चीज़ कॉमन आएगी। तो जब ये चीज़ कॉमन आएगी तो उसकी जगह हम जीरो पुट करेंगे, जहाँ पे जो भी मैट्रिक्स हो उसकी खैर है। तो जीरो को फिर जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक जीरो मैट्रिक्स आएगा, यानी कि ये जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम प्रूफ कर देंगे। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में हमने प्रूव करना है कि इस होल का स्केयर नॉट इक्वल टू इसके है, ये नॉट इक्वल टू इसके है। तो क्वेश्चन नंबर वन को लेकर चलते हैं, ये वाला। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, तो लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी होल का स्केयर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए प्लस बी। अब ये ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इसका आंसर एक मैट्रिक्स आएगा और मैट्रिक्स का स्केयर हो उसको हम दो दफ़ा मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले ए को ए से, ए को बी से, फिर बी को ए से, फिर बी को बी से, ये आ गया ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी का स्केयर। अब हमें पता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए के होता है, सही, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए के होता है। तो यानी कि ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी का स्केयर नॉट इक्वल टू है ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्केयर के। वो क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ तो इसके इक्वल ठीक है, ये चीज़ इसके इक्वल ठीक है, लेकिन ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है, यानी कि ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, तो ये चीज़ नॉट इक्वल टू इसकी है। अब ये कीमत किसकी आई, तो ये ए प्लस बी होल के स्केयर की आई, तो ए प्लस बी होल का स्केयर डज नॉट इक्वल टू ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्केयर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये हम नीचे वाला लेख चलते हैं यहाँ पे, तो इसकी हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड जो कि है ए प्लस बी और ए माइनस बी।
अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले ए को ए से, ए को बी से, फिर बी को ए से, बी को बी से, तो ये आया ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए और माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें दोबारा पता है कि ए बी नॉट इक्वल टू है बी के, बी ए के, यानी कि हम इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते। जब कैंसिल नहीं कर सकते तो ए बी प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर कभी भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज़ आपस में इक्वल नहीं है, तो ये चीज़ कैंसिल नहीं होगी, तो ये चीज़ इसके इक्वल कभी नहीं आएगी। जब ये चीज़ इसके इक्वल नहीं आएगी तो ये वैल्यू हमने, ये जो वैल्यू हमने निकाली ये ए प्लस बी ए माइनस बी की है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी नॉट इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये चीज़ नॉट इक्वल टू है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। जब ये चीज़ इसके इक्वल नहीं तो ये भी चीज़ इसके इक्वल नहीं, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कल हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे और इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।